It is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isaac & Sons, Builders and Developers, Fidus Caterers, and by ASK Tours and Travels. Disciplined lawmaker ki tarah aapne react kiya, kanun ke daire mein rehke react kiya, lekin jo aapko across the India, jo aapko criticize kiya ja raha hai, aapko deshdrohi ya pata nahi kya kya bola ja raha hai, us par aapki kya opinion? Boliye na, main rok sakta hu, aapka democratic right hai, aap barabar mujhe boliye. क्या क्या बोल सकते हैं, हम भी तो देखना चाह रहे हैं आपके दिमाग में कितना फितूर है. आप बोलिए, आप जितना आप बोल सकते हैं बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा. हम भी देखना चाह रहे हैं कि आपके दिल में कितना नफरत है, बोलिए, दिखाइए अपना असली चेहरा. जो दिल में छुपी है उसको जबान पर लाइए, उसको अपने आंखों में मत छुपाइए. हम देखना चाह रहे हैं, आप बताइए ना, बोलिए आप, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. और मैं तो यूज टू हो चुका हूँ, मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बस चले तो जान ले लीजिए हमारी, मगर आप हमारी जबान को नहीं रोक सकते. जब तक हम संविधान के दायरे में बोलते रहेंगे और बोलते आए हैं, तो इसमें गलती क्या है? मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता ना. अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी आरएसएस की जबान में बात कर रहे हैं, वो यकीनन उनकी तारीफ की जाती है, क्योंकि मैं उनकी जबान में नहीं बात करता हूँ. मैं उनसे जमहूरी तरीके से उनकी मुखालिफत करता हूँ. और मेरा मानना यह है कि इस जजमेंट के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को. ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है. अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है. ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, समझिए इस बात को. और आपको इस देश के 60% लोगों को समझना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है. इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है. आपको सोचना है कि आप देश को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे. थोड़ी असउद्दीन ओवैसी गद्दार है, देशद्रोही है, गंदा है, सब सही है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है. मुझे फिक्र आपके मुस्तकबिल की है. मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा मैं. पर आप देखो किस रास्ते पर आप इसको लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आप कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाए. देखते जाइए आप, पोलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रहा है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता. आप एनआरसी लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं? और अफसोस मुझे इस बात का है कि जितने सेकुलर पार्टियां हैं इनकी जबानें बंद हैं. कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, तेलुगु देशम, सब खामोश क्यों नहीं, खामोश क्यों बैठे हैं आप? ये खामोशी तो तोड़ना पड़ेगा ना आपको. ये खामोशी नहीं तोड़ रहे आप भी मानते हैं, आप भी मान चुके हैं. आपका भी एजेंडा मेजोरिटेरियन एजेंडा है. आपका एजेंडा हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को मजबूत करने का एजेंडा नहीं है आपका. ये बात तकलीफ दी हमारे लिए. और बहुत अच्छा भी हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई जो आज भी इस मुल्क में है, बड़ी तादाद में सेकुलर जहन रखते, वो लोग समझ रहे हैं इस बात को. बीजेपी के चाहने वाले, आरएसएस के चाहने वाले मुझे तनकीद करेंगे, मगर इस जजमेंट के बाद बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं. और मुझे यकीन है हिंदुस्तान की उस जनता पर जो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को, जो खूबसूरती को मानती है, वो खुद आज सोच रहे हैं कि हाँ, ये आज हमको दिख रहा है. सर, इन रिगार्ड्स टू अयोध्या वर्डिक्ट, सम मुस्लिम लीडर्स आर क्लेमिंग दैट द 5-acre लैंड दैट वी अलॉटेड शुड बी गिवन विद इन द 67-acre that has been taken over by the government. You see, I cannot speak for all Tom, Dick and Harry's, and as far as I know, my party stand is, I speak for my party that we do not want this khairat. Our fight was for a legal right for a Babri Masjid. Our fight was not for to get this piece of land. And I still reiterate that if our fight was for the piece of land, we could have, you know, despite all the poverty, discrimination, state discrimination against the Muslims, we are still not that poor that we cannot construct a 5-acre
a masjid or a 5 acre of land anywhere in UP. Our legal, our fight was for a legal right, was for a masjid. We don't want this. You know, my party standing don't want this donation or this khairat or this bheek or this crumbs which is being given to. We don't want it. I don't know, let other people speak for it. But before doing that, they must also know the exact position according to the Islamic theology. Let them go and do some research. And I mean, you know, was this whole struggle for so many years was for a piece of land? No. I mean, from 1949 onwards, when in a very surreptitious way, in a criminal way, idols were installed, in a criminal vandalism act, 26 December, masjid was demolished. Was it for this 5 acre of land? No. It is, I feel that, you know, people who are saying, telling me to accept it, you're demeaning me. You're not understanding why we fought, why we went to the courts of law. Why did we have this patience so much? You know, that we went to the court. If it was a piece of land, we could have accepted it for somewhere else. But from last 50 years, we have been fighting this case in a court of law. With all the patience, with all efforts were put into it by the All India Muslim Personal Law Board. Whole legal fight was for, this legal fight was for them to ensure that injustice which was done, to ensure that justice is done to us. It was not for a piece of land. Sir, a complaint has been filed against you in Bhopal for the same comments of this 5 acre land. Sir, it is what I am. See, let them do it. Let them do it. I am willing to die for my cause. I am ready to die for my cause. What is there? Who can, you know, if I, what I stated was what the great J.S. Verma had said, Supreme Court is supreme but not infallible. What is wrong in that? Have I not told you that yes, we respect the Constitution, we'll abide by the Constitution, our whole fight is for Constitution, our constitutional rights. And if these Johnnies think otherwise, let them do it, what can I say? This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isaac & Sons, Builders and Developers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels.